हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओल्ड एज में फिटनेस कैसे मेंटेन रखी जाए इस पर बात करेंगे। मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और इससे रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जोखिमों को कम करने के लिए बढ़ती हुई एज में फिट और स्वस्थ कैसे रहें, यह बहुत एक आवश्यक चीज है। आज हम बताएंगे एज बढ़ने के साथ आपको स्वस्थ रखने में कौन कौन सी चीजें मदद कर सकती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आप फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरली भाग लें। जैसा कि WHO रिकमेंड करता है, एवरी वीक कम से कम 150 मिनट तक मीडियम स्पीड वाली एरोबिक्स और 75 मिनट की फास्ट स्पीड वाली एरोबिक्स जरूर करें। यह अपना एक रेगुलर टारगेट रखें। मांसपेशियों और हड्डियों की डेंसिटी को प्रिजर्व करने के लिए शक्ति प्रशिक्षण गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संतुलन बेहतर होता है और गिरने से बचाव होता है। इसको अगर अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो आप में एक बेहतर तालमेल रहेगा और एक दूसरे के साथ कंपटीशन होने से आपको प्रेरणा भी मिलेगी। एक फिजिकल ट्रेनर की व्यवस्था जरूर करें, जो एक फिटनेस स्पेशलिस्ट या सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर हो, जो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट और स्किल के अनुसार आपको ढंग से राय दे। पर्सनल ट्रेनर आपको एक सटीक व्यायाम की जरूरत बताएगा और उसके अनुसार आप काम करें। बैलेंसिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाले व्यायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे योग, ताइची और बेसिकली बैलेंसिंग वाले व्यायाम सभी आपको गिरने से रोकने और गतिशीलता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में आप फलों और सब्जियों को शामिल करें। साबुत अनाज, कम वसा वाले मांस और स्वास्थ्य वसा से भरपूर संतुलित आहार का सेवन अवश्य करें। बैलेंस डाइट जिसमें आपके शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरूरी मिनरल्स, विटामिन, पोषण तत्व और प्रोटीन का एक सही संतुलन होता है। बैलेंस डाइट का मतलब यह है आपका आहार विभिन्न पोषण तत्वों से भरपूर होना चाहिए ताकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और विकास सही तरीके से हो। अपने आप को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी पीने में कभी भी कंजूसी मत करें। पर्याप्त पानी आपका एनर्जी लेवल बैलेंस्ड करता है। अपने डाइट प्लान के लिए आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशियन से जरूर सलाह लें। वह आपको सही आहार की सलाह देते हैं जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। वे आपकी व्यक्तिगत आहार योजना तैयार करते हैं जिससे आपकी आवश्यकता और लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। वे आपको वजन को नियंत्रित करने के लिए सहायक हो सकते हैं और सही तरीके से वजन घटाने और बढ़ाने की सलाह देते हैं। आपकी बीमारियों को रोकने में सहायक हो सकते हैं। अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। जांच, स्क्रीनिंग और टीकाकरण के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शीघ्र खोज उनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। डॉक्टर आपको सही पौष्टिक आहार के बारे में सलाह देंगे जिनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शामिल होनी जरूरी है। यह बात आप सुनिश्चित करें आपको पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाली नींद अवश्य मिले, जो आपके सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेने का व्यायाम या माइंडफुलनेस जैसे तनाव कम करने वाली रणनीतियों का उपयोग अवश्य करें। मेडिटेशन, एरोबिक्स और व्यायाम का मिक्स्ड प्रयोग करें। दोस्तों और परिवार के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखें। अकेलेपन को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए दोस्तों और परिवार का साथ सामाजिक संबंध बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। अपने आप को मानसिक रूप से सक्रिय रखें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव माइंडेड बातें बहुत आती है। मानसिक रूप से चुनौतियापूर्ण गतिविधियां जैसे पहेलियां, गेमिंग, पढ़ना या नए कौशल प्राप्त करना इसमें साथ संलग्न करें।
अपनी मानसिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पढ़ाई, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल व अन्य मेंटली गेम बहुत ही आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मेडिटेशन मानसिक शांति और आत्मा को साकार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसमें बैठकर ब्रीदिंग तकनीक का प्रयोग करें, जिससे मानसिक चैन और शांति प्राप्त होती है। अगर आपको स्मोकिंग की लत है तो उससे बचें, कम मात्रा में शराब पिए। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अपने शराब के सेवन को रोकने, सीमित मात्रा में या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उसको सीमित करने के बारे में सोचें। स्मोकिंग करते भी हैं तो आप डॉक्टर से रेगुलर जांच कराएं, ताकि आपके स्वास्थ्य नियंत्रित रहे और सिगरेट से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को पहचाना जा सके। डॉक्टर की सलाह लेके स्मोकिंग छोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ ज़रूर लें। मेडिसिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार आप दवाएं लें, उन्हें उन सभी दवाओं की सूची बताएं जो आप ले रहे हैं। रेगुलर आई एंड ईयर की जांच कराएं और जितना जल्दी हो सके उसका इलाज कराएं। अपने दोस्तों के साथ घूमने जरूर जाएं, बाहर जाएं, लेकिन सावधानी रखें। ऐसी जगह खड़े रहें जहां आपको गिरने का डर नहीं हो, रेलिंग लगी हो, और पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। गिरने से बचने के लिए आपको अच्छी पकड़ वाले जूते पहनने बहुत ज़रूरी है। यात्रा जरूर करें, लेकिन अपनी आयु वर्ग के लिए जो मेडिकल एडवाइजरी आती है उसका पूरी तरह से पालन करें। अपने जीवन को रोमांचक और सार्थक बनाने के लिए अपनी पसंद की चीज़ें करें और शौक तलाशें। अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य पर काम शुरू करने में कभी देरी नहीं होती है। कोई भी नया व्यायाम या भोजन दिनचर्या शुरू करने से पहले एक्सपर्ट प्रोफेशनल की जरूर सलाह लें, और स्पेशली यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या चिंता है, वो ऐसी सलाह दे सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता और सीमा पर लक्षित हो। ध्यान रहे, आपके लिए योग और व्यायाम में कौन सा उपयुक्त है यह आपके लक्ष्यों और स्वास्थ्य स्तर पर निर्भर कर सकता है। यदि आप मानसिक शांति को बढ़ाना चाहते हैं तो योग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जबकि यदि आप शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यायाम अच्छा हो सकता है। आप एक अनुभवी प्रशिक्षक या चिकित्सक से सलाह लेकर इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। व्यायाम करने से शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वजन को नियंत्रित करने में और आम तौर पर शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह तनाव को कम करने, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने और मानसिक चैन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।